आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मंदाकिनी गंगा को स्वच्छ और अविरल बनाने के उद्देश्य से विरल स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ला द्वारा करवी के राजाघाट से जीवद्यानी माँ मंदाकिनी गंगा की विधिवत पूजा अर्चना पर किया गया। हमारे जनपद चित्रकूट धाम का जो ये पुण्य सलिला मंदाकिनी जी हैं, तो इसमें एक स्वच्छता का अभियान यहाँ के नागरिकों ने स्वयं बीड़ा उठा के आगे आए हैं, और उसमें हमारे जो सरकारी प्रयास हैं, चाहे सिंचाई विभाग का है, नगर पालिका परिषद का है, वो भी इसमें जुड़ा है। तो ये एक सामूहिक प्रयास है, और इस प्रयास के माध्यम से हम यहाँ की जो निर्मलता है बनने का, इसको पुनः अपने मूल स्वरूप में वहीं मेरठ में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने मौके से लगभग 15,000 रुपए का चाइनीज मांझा बरामद किया है। बता दें कि कल चाइनीज मांझे से एक युवक की मौत हो गई थी। युवक की मौत के बाद पुलिस हरकत में आई है, और तब से सिर्फ और सिर्फ पुलिस लगातार मुखबादिर बनी हुई थी, कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं थी। ये पूरा मामला जो है मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर गेट के पास का बताया जा रहा है। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के हापुर रोड पर देर रात होटल को बंद करने के दौरान स्कूटी सवार अज्ञात दो युवक आए और होटल संचालक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। मेरठ के थाना साड़ी गेट क्षेत्र के उमरनगर में बच्चों के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपिटाई हो गई। मारपिटाई के दौरान जमकर चले लात घूसे और लाठी डंडे। मारपिटाई के दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि लिसाड़ी गेट में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मेरठ में प्लॉट के कब्जे को लेकर दबंगों ने मां बेटे की जमकर पिटाई की है। पिटाई में युवक के सिर में गंभीर चोटें आई। वहीं बीच बचाव करने आए युवक की मां को भी दबंगों ने दौड़ा दौड़ाकर लाठी डंडों से जमकर पीटा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के एनआईसीयू पार्टी का छात्र नेता नीतीश भारद्वाज पीड़ित जनों को थाने में तहरीर देने पर भुगत लेने की धमकी दे रहा था। मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शर्मा नगर की पूरी घटना बताई जा रही है। आगरा में गाइड का फतेहपुर सीकरी के दीवाने आम में नहाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। कपड़े उतारकर दीवाने आम पार्क में नहाता हुआ एक गाइड नजर आया है। वीडियो वायरल पर पुरातत्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। गाइड का पुरातत्व विभाग ने लाइसेंस सीज कर दिया। आगरा के फतेहपुर सीकरी विश्वदाय स्मारक का ये पूरा मामला। शुक्ल बाजार अमेठी विकासखंड शुक्ल बाजार के ग्राम सभा शिविर में अमृत सरोवर हेतु पूर्व राज्य मंत्री विधायक सुरेश पासी ने विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन किया है। विधायक सुरेश पासी ने जल संरक्षण को लेकर सरकार की ओर से तमाम जतन किए जा रहे हैं। जनपद में कई हजार तालाब हैं, इनमें बहुत से तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया, तो कई तालाब अतिक्रमण का शिकार होकर अस्तित्व भी खो चुके हैं। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अपने अमेठी जनपद में अमृत सरोवर 75 बनने थे, जिसमें अपनी शिवली ग्राम पंचायत में मानिकपुर तालाब को चयनित किया गया है। आज हम सभी लोगों ने इसका भूमि पूजन किया है, और ये बहुत अच्छा सरोवर बनेगा। लोगों को यहाँ सुबह टहलने के लिए भी व्यवस्थाएँ होगी, और जो हमारा रिचार्ज है जल का वो भी इससे होगा। जल का बढ़ेगा, रिचार्ज जब इसमें जल रहेगा तो रिचार्ज भी होता रहेगा। अमरोहा के सरकारी पोस्टमार्टम हाउस पर सिस्टम की लापरवाही साफ दिख जाती है, जहां सिस्टम की लापरवाही का शिकार गुर्दे भी हो रहे हैं।
मामला चौंका देने वाला है। दरअसल अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर जिम्मेदारों की लापरवाही से मरने वाले लोगों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए जो फ्रिज रखवाए गए थे वो सभी फ्रिज एक साथ पिछले 3 महीने से खराब पड़े हैं। इस मामले की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि पोस्टमार्टम हाउस पर ही पोस्टमार्टम करने के लिए आने वाले फार्मासिस्ट पंकज कुमार ने की है। उनका कहना है कि हमने इनके लिए कई बार पत्र भी लिखा लेकिन अभी तक ये फ्रिज ठीक नहीं कराए गए हैं, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम हाउस पर सिस्टम की लापरवाही दिखाई देती है और अमरोहा के पोस्टमार्टम हाउस पर मुर्दे भी सिस्टम की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। इसे बार बार पत्र तो सीएमओ ऑफिस में दिया जा रहा है और जितना हमसे हो पाता है हम किसी मिस्त्री को बुला देते हैं, लेकिन चूँकि कंपनी इसका ऑथराइज है तो उनसे कई बार इन्फॉर्मेशन दिया गया लेकिन वो आते नहीं हैं। कितने फ्रिज हैं यहाँ पर? 6 लगे हुए हैं। 6 के 6 खराब? हाँ, 6 के 6 खराब है। अभी तक ठीक नहीं है? ना। हाँ, ये आज का अभियान है हमारा। एक्चुअली में जो हाई लॉस फीडर्स हैं जिन पे विद्युत चोरी ज़्यादा हो रही है उनका हमारा प्रोग्राम है ऊपर से ही, और ये पीएससी फोर्स हमारे साथ है और इसमें जहाँ भी कोई बड़ी विद्युत चोरी है उसमें हम पूरा चेकिंग करेंगे। हमारा आज ये 8 बजे से लेकर 4 बजे तक का अभियान है। अभी कितना फॉल्ट आपको मिला है? अभी करीब हमें मिल गए 7-8 मिल गए डायरेक्ट विद्युत चोरी। तो क्या कार्रवाई आप उनके खिलाफ करेंगे? बिल्कुल FIR होगी। फतेहपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। शासन की लाख मनाही के बावजूद स्कूलों में बारात ठहराने के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शिक्षा के मंदिर में बारबालाओं के डांस करने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों ने संबंधित जिम्मेदारियों पर निलंबन की कार्रवाई की है। तो फतेहपुर की तस्वीरें, बारबालाओं का ठुमके लगाते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कोई भी कार्यक्रम कराने से पहले परमिशन लेनी होती है, लेकिन स्कूलों में इस तरह की परमिशन नहीं ली जाती और देर रात यहां पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हरदोई में दुकान मालिक और किरायेदार के बीच मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल दुकान मालिक महिला और किरायेदार दुकानदार के बीच विवाद चल रहा है। विवाद वायरल वीडियो का पुलिस संज्ञान लिया और मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक महिला द्वारा एक पुरुष की पिटाई का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, इसके संबंध में अवगत कराना है कि ये महिला पाली कस्बे की निवासी है और इनके ससुर की पाली कस्बे में दुकान है जिसमें प्रदीप गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने किराए पर ले रखा है और उस दुकान को खाली कराने के लिए उस महिला द्वारा जोर जबरदस्ती की जा रही थी। इसके संबंध में मुकदमा भी सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, किंतु वीडियो का संज्ञान लिया गया है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई। कन्नौज में डीएम के रियलिटी चेक में 3 स्कूल के स्टाफ और 73 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। डीएम के निर्देश पर जिले भर में जांच करने निकले अधिकारी और गड़बड़ी दिखी। पूर्ण रूप से बंद 3 विद्यालयों में तैनात शिक्षक और कर्मियों को निलंबित किया गया। 78 विद्यालयों में जांच के दौरान 73 शिक्षकों को 1 दिन का वेतन रोकने की हिदायत दी गई है। जिले में डीएम के अलावा जाँच करने CDO, SDM, नायब तहसीलदार और 8 ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी निकले थे। आज हमने पूरे ज़िले में सभी SDM, तहसीलदार और BDOs को लगा करके अपने सब प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूलों की जांच कराई गई। कुल हमने 78 विद्यालयों की जांच कराई जिसमें कुल 73 प्रधानाध्यापक, सहायक और उनके शिक्षा मित्र अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा 3 विद्यालय पूर्णतः बंद पाया गया। जो विद्यालय पूर्ण रूप से बंद पाए गए हैं उनके सारे टीचरों को निलंबित करने का निर्देश दे दिया गया है। जो अनुपस्थित थे, बिना किसी कारण के अनुपस्थित थे, बिना किसी अवकाश के अनुपस्थित थे, उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जाएगी। वहीं कन्नौज में कोरोना प्रोटोकॉल्स की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सब्जी मंडी में खरीदारों को कोरोना का खौफ नहीं है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग लगातार खरीदारी करते हुए ये लोग नजर आते हैं। सदर क्षेत्र की सब्जी मंडी का
हाल बेहाल है। लगातार कोरोना को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है। कानपुर कमिश्नरेट की छवि में धप्पा लगाने वाले चौकी इंचार्ज का वीडियो वायरल हुआ है। इंद्रनगर चौकी इंचार्ज यशपाल सिंह का रुपया लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। चौकी इंचार्ज चेकिंग के दौरान वसूली कर रहे थे 3,000 की रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद संज्ञान में इस पूरे मामले को लिया गया और आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। पौड़ी जिले की तहसील सतपुली के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पौड़ी कोटद्वार पर केशपुर के निकट बिना अनुमति के संचालित आरजीबी कंपनी का हॉट मिक्स प्लांट को उपजिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार ने सीज कर दिया। एनएच श्रीनगर डिवीजन चंद्रभागा पुल से तपोवन तक अतिक्रमण हटाने के बाद रोड चौड़ीकरण का काम पूरा हो चुका है। हटाए गए अतिक्रमण की जगह नाला निर्माण की एनएच के द्वारा किया जा रहा है। अब सारी दुकान और प्रतिष्ठान नाले से पीछे हैं। बावजूद इसके एनएच ने एक दुकान को फिर से अतिक्रमण की जद में बताते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में एनएच पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगना लाजमी है। केदारनाथ मार्ग में घायल हुए उड़ीसा के तीर्थयात्री की हालत गंभीर बनी हुई है। एम्बुलेंस के माध्यम से एम्स ऋषिकेश लाए गए घायल यात्री को इलाज के लिए अस्पताल के ट्रामा इमरजेंसी में भर्ती किया गया। यात्री के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया है। केदारनाथ धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधाएं दी जा रही हैं और तत्परता के साथ उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी ने यहां पर निर्देश भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह खामियां दिखाई दे रही हैं। मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है ताकि किसी भी तीर्थयात्री का स्वास्थ्य खराब होने के साथ ही उनके साथ किसी तरह की दुर्घटना होने पर उन्हें तत्काल स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराया जा सके। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर पहाड़ों में जो यात्री आते हैं उनको पैदल यात्रा करते हैं, कुछ हेलीकॉप्टर से करते हैं या बस से या सिर्फ ट्रकिंग करते हैं। खासकर यात्री खासकर प्लेन वाले इलाकों में आते हैं जहाँ पर सीढ़ियों का लोग सेवन कम करते हैं। वो अपने काम के लिए या तो लिफ्ट का सेवन करते हैं या सीढ़ियों का सेवन कम करते हैं या फिर चलना भी होता है तो उनको फ्लैट वाले रास्ता पर चलना होता है। यहाँ पर जो उनको यात्रा पढ़ाते हैं तो एक तो है कि हाई एल्टीट्यूड माउंटेन हो जाता है जिसके उसमें मोशन सिकनेस माउंटेन सिकनेस की भी स्थितियाँ डेवलप होती हैं। इसके अलावा जब वो यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पढ़ाते हैं तो उनको पैदल में सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। सीढ़ियों से ऊंचाई धीरे धीरे ऊंचाई भी बढ़ती जाती है, सीढ़ी चलती जाती है तो जिसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पर लोड पड़ता है, जिसके वजह से मरीज को एक्यूट मोर्टिलिटी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीजों को मैं कहूँगा कि जब वो अपने जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं वो अपने लोकल फिजिशियन से संपर्क करके अपने हेल्थ चेकअप करा करके आएँ और जो उनको सावधानियाँ डॉक्टर के द्वारा बताई जाती है वो सावधानियों को बढ़ाते हुए अपने मेडिसिन को लेकर के आएँ। एक बात और है, यहाँ पर जब लोग यात्रा पर आते हैं तो आस्था को लेकर खाना पीना छोड़ के दर्शन के बाद ही हम जो है सो खाना पीना चालू करेंगे। सहारनपुर में थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा ट्रक नंबर HR 63 और 22B में बिना अनुमति हरी शीशम आम के पेड़ की लकड़ी ले जाते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपये बताई जा रही है। सहारनपुर में थाना बड़गांव पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस टीम को क्षेत्र में अवैध हथियार फैक्ट्री की सूचना मिली। पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर स्वात टीम के साथ घेराबंदी कर एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। पुलिस टीम ने शातिर के पास से भारी मात्रा में अवैध असलाह बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि बाप बेटे द्वारा अवैध असलाह फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।